हेलो गुड मॉर्निंग सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो अगस्त की तो ये पैरल हमारी यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी सो so, आज हम लोग कंपाइलेशन बेसिकली डिस्कस करेंगे काफ़ी ओके okay? अगस्त का कोर अगस्त में आपका स्टार्ट करूंगा बट उससे पहले मैं कुछ कंपाइलेशन डिस्कस करूंगा अब से हम लोग हर एक महीने के कंपाइलेशन जरूर किया करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो बढ़िया रहेगा ना कंपाइलेशन डिस्कस करना यहाँ पर हमारे लिए सभी के लिए ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग सो गाइज़ आप एक बार आपसे गुजारिश है कि जितने भी बच्चे हम लोगों को पहले यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को जितना मैक्सिमम आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट करेगा और अगस्त के काफ़ी कंपाइलेशन है जिनका मैं डिस्कशन आज करने जा रहा हूँ और इवन इसके अलावा शुभम वेर प्रजेंटर ओके okay. आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करेंगे दिस इज़ अ मॉनिटरी पॉलिसी ओके अभी रिसेंट में मॉनिटरी पॉलिसी रही है उससे रिलेटेड काफ़ी अपडेशन है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है चाहे वो एस का उठा लो चाहे एन का उठा लो चाहे बैंक का उठा लो रेलवे का उठा लो बड़े से बड़ा यूपीएससी एग्जाम उठा लो मॉनिटरी पॉलिसी से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसा कोई महीना गए ही नहीं है ठीक है ऐसा कोई महीना गए ही नहीं है जिस महीने की मॉनिटरी पॉलिसी से क्वेश्चन बना ही नहीं है मॉनिटरी पॉलिसी में हमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि हमेशा कवर करके चलनी है और उनको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ओके सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चले सेशन कर okay. so, okay? चल स्टार्ट करते हैं सर कमेंट यहाँ सेट कर दीजिएगा यूट्यूब वाले ओके सो स्टार्ट करें मेरे भाइयों okay. सेशन स्टार्ट करें साउंड ओके एक बार यस लिख दीजिएगा वॉइस थोड़ी कम है वॉइस बढ़ा दो यार बढ़ा दी एक नंबर चल रही है सेशन स्टार्ट कर दें सर ओके यो सर स्टार्ट सर आवाज कम आ रही है एक बार जरा चेक कर लो एक बार और, और? यस सर ऑल डन आप दोनों जगह कैसे हैंडल करोगे सब कर लेंगे डोंट वरी आपके लिए कंटेंट मैटर करता है आप कंटेंट फोकस रहो ठीक है चलो स्टार्ट करें चलो समझते हैं हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ओके और ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में काफी कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है इसको थोड़ा एनालिसिस करना और समझना कि मॉनेटरी पॉलिसी में है क्या सीन ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या लॉजिक है यहां पर समझने का देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये दोनों साथ में चले तब जाके चीज़ें बेहतर होती हैं तो भारत सरकार ने आरबीआई को एक टारगेट दे रखा है और वो टारगेट ये है कि आपको महंगाई को कम करना है रघुराम राजन जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि राइट नाउ इंडिया को महंगाई कंट्रोल करना एक बहुत जरूरी बनता है क्योंकि तो अभी अभी के करंट सिनेरियो की हम लोग बात कर लें जो फूड एंड बेवरेजेस हैं ओके उसके रेट काफ़ी हाई है मेरे दोस्त ओके अब ऐसे में यहां पर ये फूड के प्राइस बढ़ना एक आम आदमी की जिंदगी पर काफी असर डालता है चाहे आप किसी भी तरीके से देखें ओके सर ओवरऑल देखें मेरे दोस्त तो किसी भी तरीके से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भारत सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पांच साल का एक टारगेट दिया है फाइव ईयर का कि आपको जो इन्फ्लेशन है जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हो और फिर रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है इसका टारगेट है दो परसेंट से लेकर छह परसेंट का क्या मतलब है इसका वो समझते हैं टारगेट इन्होंने दिया है चार परसेंट का प्लस टू परसेंट माइनस टू परसेंट मतलब इनका कहना है कि जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है शुद्ध हिंदी में बोलूं तो महंगाई है ये दो प्रतिशत से छह प्रतिशत आप रख सकते हैं ओके मतलब महंगाई को आपको चार प्रतिशत पर नियंत्रित करना है अगर ये मैक्सिमम जा रही है तो छह प्रतिशत हो सकती है न्यूनतम जा रही है तो दो प्रतिशत हो सकती है इससे कम नहीं होनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर हम लोग ये बात करते हैं तो इसको कहते हैं अपर टॉलरेंस लेवल और इसको बोलते हैं लोअर टॉलरेंस लेवल तो आप हमेशा एग्जाम में जब भी जा रहे हैं और वो अगर आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि सीपीआई का अपर टॉलरेंस लेवल क्या है तो इट इज सिक्स परसेंट ओके लोअर टॉलरेंस लेवल क्या है तो इट इज फोर पर, टू परसेंट तो दो परसेंट न्यूनतम हो गया अधिकतम छह प्रतिशत हो गया ये लोअर टॉलरेंस लेवल हो गया ये अपर टॉलरेंस लेवल हो गया तो चार परसेंट पर सीपीआई रखना है ताज्जुब की बात ये है कि अभी तक जनवरी से अभी तक जनवरी से भाई अभी तक एक महीना ऐसा नहीं गया जिसमें छह परसेंट से नीचे रहा हो हर एक महीने में मैंने कल ही डिस्कस किया है कल भी मेरे दोस्त बढ़ गया वो ओके मतलब जनवरी से लेकर अभी तक देखे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें छह परसेंट से कम हो मेरे दोस्त छह परसेंट से ज्यादा ही चल रहा है मतलब देश की स्थिति इस टाइम पर अगर महंगाई के दृष्टिकोण से देखें तो बेहतर नहीं है क्योंकि महंगाई हमारे देश में उस स्थिति से ऊपर है जहां पर आरबीआई नियंत्रित करना चाहता है आरबीआई तो चाहता है भारत सरकार तो चाहता है चार प्रतिशत पर रहे लेकिन ये छह प्रतिशत से भी ज्यादा देखने को मिला है और लगातार सातवां महीना है आठवां महीना है मेरे दोस्त जहां पर यह छह प्रतिशत से ज्यादा देखने को मिला है ओके समझते हैं ये चीजों को ये ऑफ करना है ये वाला ये ऑन करना है ओके फाइन ठीक है अब जरा समझना मेरी बात को और ध्यान से यहां मैंने पूरा डेटा मेंशन किया है इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सोचो आरबीआई खुद कह रहा है कि यार भारत सरकार आप हमसे कह रहे हो कि 6% से कम रखना है लेकिन हम क्या करें ये पूरा साल ही महंगाई का रहेगा क्यों क्योंकि हमने अपना टारगेट ही छह परसेंट से ज्यादा रखा है सरकार का टारगेट और एग्जाम का आपका सवाल है सरकार का टारगेट है और एग्जाम का आपका सवाल है कि वित्तीय वर्ष दो हजार तेईस में सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितने प्रतिशत यहां पर अनुमानित किया गया है तो छह दशमलव सात प्रतिशत ओके पहला एग्जाम का सवाल है मैं ये क्वार्टर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूं इसमें दिमाग नहीं लगा रहे जीडीपी की बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की जिसको जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है वो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी ग्रोथ रेट की गणना करता है उसने वित्तीय वर्ष 23 के क्वार्टर वन की जीडीपी अभी कैलकुलेट करके बताई है डबल डिजिट में रही थी क्वार्टर वन की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई मेरे दोस्त अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में पूरे चारों को मिलाकर कितनी प्रोजेक्टेड है तो वो आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन दिया ये एग्जाम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था उससे पहले भी क्वेश्चन था और ये सेवन पॉइंट टू परसेंट है क्लियर है ये दोनों पॉइंट ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी के ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए भाई एक बार कमेंट में यस लिखिएगा और दोनों पॉइंट क्लियर है ठीक है जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है इसके साथ साथ मेरे दोस्त यहां पर प्रोजेक्शन और दूसरा सीपीआई का प्रोजेक्शन मेरे दोस्त कितना है ये आपको याद रखना है क्लियर है आगे समझते हैं जरा ध्यान से वन परसेंट इज इक्वल टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट ओके वन परसेंट इज इक्वल टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट एक परसेंट का मतलब होता है हंड्रेड बेसिस पॉइंट ओके अब यहां पर जरा समझना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिफ्टी बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो फिफ्टी बेसिस पॉइंट बढ़ाने का मतलब पॉइंट फाइव परसेंट यहां पर बढ़ा दिया पॉइंट फाइव परसेंट यहां ऐड करोगे तो ये कितना हो गया मेरे भाई फाइव पॉइंट फोर परसेंट जो रेपो रेट है रेपो रेट वो रेट होती है रेपो दर वह दर होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं अब जरा समझिए आप अगर किसी से पैसा उधार लेकर आ रहे हैं और आगे उधार दे रहे हैं आपको अगर उधार महंगा मिलेगा तो आप भी तो आगे उधार महंगा देंगे आप सोचिए कोई चीज अगर आप सौ रुपए की लेकर आ रहे हैं अगर आगे आप देंगे तो बेटा सौ से ज्यादा की देंगे कोई अगर एक सौ बीस की चीज आप लेकर आ रहे हैं तो आगे एक सौ बीस से ज्यादा ही देंगे अगर आपको चीज महंगी मिलेगी तो आगे आप आगे महंगाई महंगी चीज देंगे तो कहने का मतलब है कि जो रेपो रेट होती है वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं मनी बोरो करते हैं अब अगर ये रेट बढ़ेगी रेपो रेट अगर बढ़ेगी समझ रहे हो जो ये रेपो दर है ये रेपो दर बढ़ेगी तो डेफिनेटली बैंक को लोन महंगा मिलेगा और अगर बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे कस्टमर को भी मेरे दोस्त आगे महंगा लोन देंगे तो ऐसे में क्या होगा मार्केट्स में मेरे दोस्त जो ओवर लिक्विडिटी है या यू कैन जो सरप्लस मनी है वो एब्जॉर्व होगी समझ रहे तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया जो छह परसेंट से ज्यादा भाग रही जो रुकने का नाम नहीं ले रही कि भाई तब है जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है डिमांड तब ज्यादा जब मार्केट में पैसा ज्यादा है अब जब पैसा तब ज्यादा क्योंकि बेटा कोविड के टाइम पर पैसा इंजेक्ट किया गया तो ओवर लिक्विडिटी हो गई है अब उसको एब्जॉर्व करना है जब एब्सार्व करना है तो एब्जॉर्व करने के लिए किसी ना किसी टूल का तो इस्तेमाल किया जाएगा तो मॉनिटरी पॉलिसी में एक टूल है रेपो रेट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको इंक्रीज किया जा रहा है लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे कि

समझ रहे समझो समझो मोहब्बत बराबर से होनी चाहिए मेरे भाई इधर भी आग प्रॉपर लगी रहा है उधर भी आग प्रॉपर लगी रहा है तब तो मजा भी आएगा इधर इधर अकेले ही आग लग रही है मैं एक तरफा मोहब्बत भी बेकार है मेरे दोस्त समझ रहे हो ना दो तरफा होनी चाहिए चलो आगे समझते हैं और इस पॉइंट को समझना उससे पहले मैं एक आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ एक कैलकुलेशन समझो रेपो रेट जो है समझना दे ध्यान से कुछ रटना नहीं है सब समझ में आ जाएगा एक बार में जो रेपो रेट है आपका ये कितना चल रहा है सर फाइव पॉइंट फोर परसेंट क्लियर है रेपो रेट कितना हमारा 5.4 परसेंट जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा है या यू बोले पॉइंट परसेंट यहां पर ज्यादा है 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा है कहने का मतलब क्या है यहां पर कि एमएसएफ कितना हो गया हमारा 5.65 पॉइंट परसेंट फाइव परसेंट मेरे भाई क्लियर है एमएसएफ और बैंक रेट ये हमारा इक्वल रहता है ठीक है तो MSF और बैंक रेट कितना चल रहा है हमारा फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट रेपो रेट से एस डी एफ ये नया टूल एड किया है एस डी एफ ये मेरे दोस्त पॉइंट टू फाइव 25 या ट्वेंटी हमारा ये कम है ओके तो ये कितना निकल कर आ गया फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट कोई दिक्कत क्लियर है भाई अभी बीच में लाइट गई थी कुछ हो रहा है क्या ये हाँ ये लाइट बंद हो रही है हाँ, बीच में लाइट गई थी सेंसर, है सेंसर अच्छा तो तो ना तो आ, हा, हा, तो अच्छा बंद हो जाएगा तो 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 ऐसे ऐस सेंसर मत लगा आदमी की हालत ही खराब हो जाए बीच में लाइट जा रही आ रही है वो तो रात के टाइम क्लास नहीं ले रहे पुलट हो गया मामला रेपोड फाइव पॉइंट फोर हो गया एस डी एफ आपका फाइव पॉइंट वन फाइव हो गया ओके एक चीज और याद रखनी है आपको द डिफरेंस बिटवीन एस डी एफ एंड एम एस एफ द डिफरेंस बिटवीन एस डी एफ एंड एमएसएफ ठीक है कितना है अगर आप लोग देखते हैं इट इज फिफ्टी बेसिस पॉइंट ओके ये पचास बेसिस पॉइंट पे वापस से आ गया है ओके okay? तो ये जो एस डी एफ और एमएसएफ के बीच में डिफरेंस है कितने बेसिस पॉइंट है फिफ्टी बेसिस पॉइंट आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना फिफ्टी बेसिस पॉइंट और इसको नाम दिया गया कॉरिडोर ओके इसको नाम दिया है था कॉरिडोर ये जरूर याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इसके अलावा दोस्त एक पॉइंट और याद रखना है समझा दिया फोर परसेंट सीपीआई का चार दो परसेंट ज्यादा दो परसेंट कम प्लस माइनस टू परसेंट मतलब दो परसेंट अपर टॉलरेंस लेवल यहां पर सिक्स परसेंट हो गया अब आगे समझते हैं ये कुछ पुराना डेटा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सीपीआई आप देखिए मैंने जून तक का यहाँ मेंशन किया है कि सीपीआई कोई भी एक ऐसा महीना नहीं गया जिसमें कि आपका छह परसेंट से कम रहा हो जो जिसका टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को दिया है सिक्स पॉइंट जनवरी से चलता हुआ रहा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे जून इवन जुलाई और अगस्त महीना भी जो रहा है उसमें भी मेरे दोस्त तो छह से ज्यादा ही रहा और इवन जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है डब्ल्यू पी है ओके इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो डबल डिजिट पर है मतलब सिंगल डिजिट पर है ही नहीं डब्ल्यू पी और डब्ल्यू पी आप देखो डबल डिजिट पर आपको दिख रहा है पंद्रह के आसपास आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों में अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो एक लाइन में सिर्फ समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना आप अगर महंगाई कैलकुलेट कर रहे हो शुभम भाई अगर बाजार में तुम जा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो क्या वो महंगाई में कैलकुलेट नहीं आना चाहिए हाँ हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो महंगाई में नहीं आनी चाहिए डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे सर्विस दे रहे महंगाई में नहीं आना चाहिए आना चाहिए ना मतलब सर्विस भी तो माननी चाहिए ना पहले के टाइम में सिर्फ महंगाई कैलकुलेट करते थे वस्तुओं के आधार पर सर्विसेज को लेते ही नहीं थे तो क्या वो सही डेटा देगा मैं क्या बात है भाई कह रहा है आर ओ खराब हो रहा है सर मेरा पहला बंदा 200 में खराब सही करता था सॉरी खराब करता था सही करता था अब 400 में करके जा रहा मतलब भाई आप अगर सर्विस किसी की ले रहे हैं तो सर्विस भी महंगाई महंगी हो रही है तो डेफिनेटली वो भी महंगाई का पार्ट है डब्ल्यूपीआई जब कैलकुलेट करते थे तो यहां पर सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता था सर्विसेज तो को कंसिडर नहीं करते थे सीपीआई so, लाने का लॉजिक ये है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेरे दोस्त ऐड किया गया ये एक मेजर यहां पर पॉइंट निकल के आया है ओके आगे समझने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जब अगस्त के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तीन से पांच अगस्त के दो दौरान यहां पर ये मीटिंग रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या वो समझते हैं कुल मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में छह मेंबर होते हैं पहले सारे डिसीजन आरबीआई के गवर्नर साहब लिया करते थे गवर्नर साहब के वही डिसीजन ले लिया करते थे सारे के सारे ठीक है अगर उनको रेपो रेट बढ़ाना है तो वो बढ़ा देते थे रेपो रेट को कम करना है वो कम कर देते थे सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर थी फिर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि एक कमेटी बनाते हैं उस कमेटी का नाम रखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिलाकर छह सदस्य होंगे तीन सदस्य आरबीआई से आएंगे और तीन सदस्य यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे ओके तीन सदस्य आरबीआई के अभी मैं इनके नेम भी दिखा दूंगा आपको

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये सीआरआर है इसको 4.4 परसेंट से 4.5 किया एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा किस डेट से किया है ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड आप सोच भी नहीं सकते और वो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है ओके एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बाद जब उसकी मिनट्स जारी की जाती है तो कितने दिन बाद की जाती है तो मेरे दोस्त तो चौदह दिन बाद ये मिनट्स जारी की जाती है आरबीआई की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की मिनट रहती है कमेटी की मिनट्स रहती है मीटिंग का पूरा लेखा जोखा क्या रहा क्या नहीं रहा वो सारी की सारी को हम मिनट नाम दे रहे हैं और मिनट्स कब जारी की जा रही है फोर्ट नाइटली मतलब चौदह दिन बाद ये पॉइंट भी एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है इसके साथ याद रखना रिवर्स रेपोरेट थ्री पॉइंट थ्री ठीक है आरबीआई हाइक रेपो रेट ये स... मतलब देखो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली ट्यूबलाइट ऑफ हो सकती है क्या ठीक है इसे कर दो जरा देखना आरबीआई ने क्या किया है पॉलिसी रेपो रेट को थर्ड टाइम हाइक किया लगातार तीसरी दफा है जब पॉलिसी रेपो रेट को मेरे दोस्त हाइक किया गया है इस पॉइंट को समझना ठीक है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन इज रिटर्न सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है यह हम लोगों ने देख लिया जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है ये सेवन पॉइंट टू परसेंट है ये भी हम लोगों ने देख लिया एक और इंटरेस्टिंग जो अपडेशन आया वो ये वाला आया है आप लोगों को पता है कि अब एक सिंगल पेमेंट सिस्टम यहां पर बनाएगा बिल को लेकर आप लोग कुछ चीज जैसे कि आप लोगों को अगर किसी का बिल पे करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ओके या मेरे दोस्त फोन का बिल पे करना है अब आप अपना भी पे करते होंगे किसी और का भी पे करते होंगे तो वो रिकरिंग नेचर ने मंथली होता है क्वार्टरली होता, होता है हाफ ईयरली होता है उनके लिए पेमेंट करने के लिए जो भी आपको पेमेंट करने होते हैं पोस्ट होते हैं उनके लिए आप कोई ना कोई पोर्टल का इस्तेमाल करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया यू के आरबीआई ने फिर एन पी सी आई नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया उसने एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम बना दिया भारत बिल पेमेंट सिस्टम अब इस भारत बिल पेमेंट सिस्टम को लेकर एक और अपडेशन आया कि जो अपने भाई बंधु विदेश चले जाते हैं एनआरआई हैं वो भी यहां पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जो अपने यहाँ के पेमेंट है वो कर सकते हैं अपने परिवार वगैरह के उसको लेकर यहाँ पर अप्रूवल आई है आर ने प्रपोज किया है कि जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट के लिए ओके क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट के लिए जो देश में देश अपने एनआरआई भाई बंधु विदेश चले गए अब उनको यहाँ पर कोई बिल पे करना है तो वो कर सकते हैं तो जो इनवर्ड पेमेंट है ओके वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत यहाँ पर आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया क्लियर किया गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये जो लाया था वो एनपीसीआई लाया था और इसका काम पूरा का पूरा एनपीसीआई की एक सब्सिडरी देख याद रखना पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू थाउजेंड एट में बना था मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर इनकी अध्यक्षता में एक एन बीबीएल बनाया गया मतलब एक एन बीबीएल एक सब्सिडरी बनाई गई इस एनबीबीएल के जो हेड है वो नुपुर चतुर्वेदी है ओके? और यही एनबीबीएल भारत बिल पेमेंट सिस्टम का काम देख रही है और ये भारत बिल पेमेंट, जो है, इसमें बिल पेमेंट की सुविधा दे दी गई है ये एक नया पॉइंट यहां पर ऑन किया गया है ठीक है भाई डन क्लियर है डन मजा आ रहा है क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है एक बार लाइक करते चलिएगा मेरे दोस्त जितने भी यूट्यूब पे जुड़े हैं और जो मेरे साथ पेड बैचेस में चल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है स्माइली एक सेंड करिए अगर चीजें क्लियर हो रही हैं क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त एमपीसी के मेंबर की बात करें कुल मिलाकर छह मेंबर है अब ये छह मेंबर में जरा देखना शिशांग बेड़े माइकल देव पत्रा और राजीव रंजन शिशांग बेड़े आशिमा गोयल अच्छा जी देखो जरा ये अपने गवर्नर साहब है गवर्नर साहब ओके ये डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के ये तीन मेंबर हो गए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई के तीन मेंबर कौन है शक्तिकांत दास ओके दूसरे मेंबर कौन है माइकल देव पत्रा और तीसरे मेंबर कौन है राजीव रंजन ये तीन आरबीआई के हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन है शीशांक बिड़े आशिमा गोयल जयंतार वर्मा इनका जो टेनर होता है वो चार साल का होता है चार साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है इसमें रखा नहीं कि फिर दोबारा से अपॉइंट किया जाए इनको सिर्फ चार सालों के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन बिड़े आशमा गोयल जयंतार वर्मा चार साल का टेनर हो गया अब जब तक दास साहब गवर्नर है मेरे दोस्तों के मेंबर बने रहेंगे ओके माइकल देव पत्र और राजीव रंजन ये नाम भी याद रखने आपको क्लियर है भाइयों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब जरा समझना मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आता है दो हजार उसमें कहा गया कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी है ये फिफ्टी जो बेसिस पॉइंट बढ़ाई गई 5.4 परसेंट की गई क्यों की गई थी ठीक है और हमारा जो इसका मैंने जो लॉजिक आपको बताया था जो कि यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में आया जो इकोनॉमिस्ट ने बताया उसका यही रीजन है कि एट द टाइम ऑफ कोविड 19 जब आरबीआई ने अलग 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 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज अनाउंस किए तो मार्केट में ओवर लिक्विडिटी हुई है ओके मार्केट में पैसा गया है तो राइट नाउ अगर हम लोग देखें तो मार्केट में काफी पैसा उसको एब्जॉर्व करना है और उसको एब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पर रेपो रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है ओके आई होप यार ये पॉइंट क्लियर होगा सभी के रेपो रेट में बदलाव देखें जरा इस डायग्राम को समझना भाई पूरा का पूरा इस स्थिति को समझना दो में तीन मई को ये फोर था फिर मेरे दोस्त दो में जून में आठ जून को फोर किया गया और अगस्त में मेरे भाई फाइव दो चार लोग कहेंगे अरे यार क्या इसको क्यों डिटेल में बता रहे हो एग्जामिनर ने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है ये चीजें अगर आप लोग इमेज के फॉर्म में देखते हो तो शायद ज्यादा देर तक आपके सामने रहेंगी 2022 में तीसरी दफा ये लगातार तीसरी दफा मेरे भाई इंक्रीमेंट हुआ है ये शब्द में बार बार बोल रहा था थर्ड ईयर थर्ड टाइम इन ओके तीसरी दफा हुआ है लगातार कि जब रेपो रेट को बढ़ाया गया पहले रेपो रेट में इंक्रीमेंट इस साल में तीन मई को रहा मेरे दोस्त 4.4% परसेंट फिर 4.9% परसेंट फिर 5.4% परसेंट तो अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ से आपके समझ में आएगा कि ये जो मई 2020 से मई 2020 से अब तक यहाँ पर 1.4% परसेंट का इंक्रीमेंट हो चुका है 140 बेसिस पॉइंट 1.4% परसेंट इस शब्द को ध्यान से समझना ये लिक्विडिटी क्या होता है बेटा लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में मनी सप्लाई पैसा ओके okay? मार्केट में अगर पैसा ज्यादा होता है पैसे को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते लिक्विडिटी ओके okay? और अगर पैसा मार्केट में ज्यादा है तो इसका मतलब लोगों की डिमांड बढ़ेगी अगर आज, आज आज, मेरे पास पैसा होता तो मेरे दोस्त मैं कुछ मतलब एक तरीके से सोचू, अगर मैं मैं अगर आज मेरे दोस्त साइकिल चल रहा हूं मेरे पास पैसा होगा तो मैं स्कूटर खरीदूंगा और पैसा आएगा बाइक खरीदूंगा और पैसा आएगा गाड़ी खरीदूंगा और पैसा आएगा मेरे दोस्त और चीजें खरीदूंगा कहने का मतलब क्या है ये दूसरा ये भी है कि पैसा आएगा नहीं भी खरीदूंगा लेकिन अगर मैक्सिमम हम लोगों की बात करें तो सभी लोग करते क्या है कि जब उनके पास पैसा हो

बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में पॉइंट फाइव परसेंट इजाफा किया रेपो रेट पॉइंट फोर पॉइंट नाइन परसेंट से बढ़कर फाइव पॉइंट फोर परसेंट हो गई यानी होम लोन से लेकर ऑटो लोन पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है आपको अब ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी इस बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरें अगस्त दो के लेवल पर पहुंच गई हैं अगस्त दो में जो रेट चल रही थी आपकी मेरे दोस्त फाइव अब वही यहाँ पर अगस्त दो में है अगस्त दो में फाइव थी अगस्त दो में भी ये फाइव है क्लियर है भैया ठीक है क्लियर भाइयों आगे बढ़ते नेक्स्ट ये हम लोगों ने देख लिया रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ब्याज दरों को कम करते हैं भाई आगे वो भी कम दर पे लोन देंगे इसी तरह जब रेपो रेट बढ़ता है तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है इसी वजह से कहा गया कि अब आपका ऑटो लोन पर्सनल लोन ये सब कुछ महंगा होने वाला है आपको ई अब ज़्यादा चुकानी पड़ेगी चार महीने में वन की बढ़ोतरी देखने को मिली है एक की मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय मंथली मॉनिट्री पॉलिसी समझना ये एग्जाम का क्वेश्चन था ये भी आपका अप्रैल में मीटिंग हुई अप्रैल के बाद मई जून में मीटिंग जून छोड़िए फिर बेटा जुलाई छोड़िए अगस्त में मीटिंग अगस्त में हम लोगों ने देख ली अब सितंबर के बाद मेरे भाई अक्टूबर महीने में होगी ओके मतलब नेक्स्ट मंथ में होगी अक्टूबर के बाद मेरे दोस्त तो नवंबर छोड़िए दिसंबर में दिसंबर के बाद जनवरी छोड़िए फिर फरवरी में तो अप्रैल जून ये जरूर याद रखना अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी होते हैं दो मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा ओके मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू अब मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है तो इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी तब आरबीआई ने रेपो रेट को फोर परसेंट पर स्थिर रखा था ठीक है ये थी मेरे भाई अप्रैल में तब इसको फोर परसेंट पर स्थिर रखा था लेकिन आरबीआई ने दो और तीन मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को पॉइंट फोर परसेंट बढ़ाकर बुलाई गई थी दो और तीन मई को वैसे तो मेरे दोस्त दो और मई में तो कोई मीटिंग शेड्यूल्ड ही नहीं है अप्रैल में या तो फिर जून में है तो अप्रैल में तो इन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं किया लेकिन हा मई में इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस इमरजेंसी मीटिंग मेंसेंट से बढ़ाकर फोर पॉइंट फोर परसेंट कर दिया था और बाईस मई दो हजार बीस के बाद रेपो रेट में बदला हुआ था इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग 6 और 8 अप्रैल को हुई थी इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट परसेंट इजाफा हुआ रेपो रेट परसेंट से बढ़कर 4.9% हो गई थी अब मेरे दोस्त ये और बढ़कर 50 बेसिस पॉइंट अगस्त में 5.4% हो गई है आई होप यार गाइस एक एक चीज क्लियर होगी समझ में आ गया क्लियर हो गया RBI का जी डी अनुमान भी याद रख लेना ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा कि फाइनेंशियल या ईयर दो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है वाला ये आपके एग्जाम का आपके का क्वेश्चन है दूसरा आरबीआई महंगाई दर की बात कर लेते हैं तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका अनुमान कितना है दो हजार बाईस तेईस का मेरे भाई ये भी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट है पहले भी ये था अभी यही है ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्लियर आपको दिखने चाहिए ठीक है ये आपके मेरे दोस्त क्लियर होने चाहिए क्लियर है भाइयों मजा आ गया ठीक है ये सब याद करना नहीं इट इज जस्ट फॉर टाइम पास इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट हम एक्चुअल में म्यूजिक पसंद नहीं आ रहे आज के तो सोच रहे थे कि चलो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेते हैं ठीक है देखे? क्या करेंगे मेरे भाई कोई पूछेगा और क्या चल रहा है मेरे भाई कुछ नहीं मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है ठीक है क्या करेंगे अभी तक बोलते थे हवन करेंगे हवन करेंगे बेटा मॉनिटरी पॉलिसी करेंगे इट इज जस्ट फॉर टाइम पास ठीक है टाइम पास टाइम पास करते करते आपका सलेक्शन हो जाएगा जॉब लग जाएगी पैसा आता रहेगा बढ़िया चलती रहेगी जिंदगी ठीक है तो टाइम पास में मजा आ रहा है ना मजा लीजिए मेरे भाई समझ में आना चाहिए ना ठीक है समझ में आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ टाइम पास चल रहा है बेटा मजा लीजिए इसका ठीक है याद करना पड़ेगा यहाँ आधा घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते और भाई कह रहा है कि मतलब यार ये अलग ही लेवल पे खेल रहा भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं ये सारे पॉइंट है एडिशनल तौर पर आप लोग देख सकते हैं देखो यार मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है इसको आप आराम से पढ़ लेना अब कुछ कंपाइलेशन पे आते हैं कंपाइलेशन दोस्त मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं अब इस चीज़ पे ज़्यादा काम करता हूं आप लोगों के लिए कि चीज़ों को मैं आपको सिंप्लीफाई वे में दूँ सिम्प्लीफाइड करके दूँ ओके क्योंकि अगर पढ़ने की बात करें तो इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए और उससे हम लोग जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बना रहे हैं ये न्यूज़ जरा समझना जो मैंने न्यूज़ यहाँ पर रखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जैसा कि एक जुलाई दो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस दिन से सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक आइटम है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ओके अब जैसे आप स्ट्रॉ वगैरह देखते होंगे तो आपको प्लास्टिक के स्ट्रॉ नहीं मिलते होंगे ठीक है आप देखना मेरे दोस्त कभी भी जूस पीने के लिए जाइए वो आपको प्लास्टिक के स्ट्रॉ देगा ही नहीं मेरे दोस्त क्या क्यों क्योंकि मेरे तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन कर दिया गया और ये कब से बैन किया गया है ऑफ जुलाई दो हजार बाईस से सिंगल यूज प्लास्टिक जो आइटम है इसको प्रतिबंधित किया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब एम डी एंड सीईओ बैंक में अपॉइंट किए जाते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन देता था वो बैंक बोर्ड ब्यूरो देता था ओके अब इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम ही बदल दिया गया है बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर एफ एस आई बी किया गया है एफ एस आई बी का मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ओके जरा समझना दो चार मेरे भाई बड़े उस्ताद हैं ओके यहां पर जो ये एग्जामिनर खेलेगा इस वाले शब्द पर खेलेगा यहां लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो इंस्टीट्यूट लिख के भेज दे ठीक है तो ये शब्दों पे जरा गौर फरमाइएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसका नाम है ब्यूरो की जगह वो आपको बोर्ड लिख के दे दे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जल्दबाजी में बोर्ड पर टिक करके आओगे मैं बता रहा हूं जवान पे सेट होगा फाइनेंशियल ये आपका फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड समझ रहे हो क्योंकि वो बैंक बोर्ड ब्यूरो चल रहा है तो दिमाग में वही चल रहा होगा बोर्ड और आप जल्दी आबाजी में यही कर जाओगे तब इतना दिमाग उस दौरान नहीं चलेगा तो इसको एक दो बार बड़ा तसल्ली से पढ़ना फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो अब बैंक बोर्ड ब्यूरो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था ये भी आपके एग्जाम का सवाल बन चुका है कि जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये सेटअप हुआ था पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे ओके तो ये फरवरी 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब उसका नाम बदलकर एफ कर दिया है फाइनेंशियल सर्विसेस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ओके क्लियर है भाई डन आगे बढ़ते हैं जरा समझना गोल्ड इंपोर्टेड ड्यूटी गवर्नमेंट ने क्या किया है जो गोल्ड इंपोर्टेड ड्यूटी है इसको 10.75 परसेंट से बढ़ाकर दस दशमलव सात पांच प्रतिशत से बढ़ाकर इसको 15 प्रतिशत पे कर दिया है 15 परसेंट कर दिया है तो जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट ने कितनी हाइक करी 10.75 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया 15 परसेंट यहां पर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ओके तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं इन्होंने यार ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद का एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम शुरू किया है ठीक है? पेमेंट सिस्टम इंडियन कोस्ट गार्ड का एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है अब ये है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है इसका नाम पदमा इसकी फुल फॉर्म बनती है पेरोल ऑटोमेशन डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस ओके पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस क्लियर है भाइयों आगे 835 स्क्वाड्रन की बात करते हैं 835 स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन अब जहाजों का बेड़ा कह लो मेरे भाई ठीक है या फाइटर प्लेन का बेड़ा कह लो उनको हम लोग स्क्वाड्रन नाम देते हैं समझ रहे हो अब स्क्वाड्रन अलग 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 अलग, -अलग स्क्वाड्रन एक अभी स्क्वाड्रन पढ़ रहे हैं हम लोग 835 स्क्वाड्रन अब 835 स्क्वाड्रन है क्या ये समझना बड़ा जरूरी है 835 स्क्वाड्रन में कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है कोस्ट गार्ड ने इसको कमीशन किया है 835 स्क्वाड्रन को इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ये अच्छा जी जो ये स्वदेशी निर्मित इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क थ्री है एम के थ्री है इसका एक बेड़ा है जिसका नाम है

हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा अपाचे किससे खरीदा राफेल किससे खरीदा है ठीक है विमान किससे खरीदा है डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने किससे खरीदा है या इसका निर्माण किसने किया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने किसने डिजाइन किसने किया है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं तो ये इतना भी डिफेंस रिलेटेड है उसमें ये जो कीवर्ड मैंने बोले इनको जरूर हाईलाइट कर लिया करिए क्लियर है भाइयों डन जितने यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं बैच इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच ओके ये जो आपको मंथली करंट अफेयर्स दिख रहा है दिस अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच तो अगर आप वॉरियर प्रो बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या चीज मिलेंगी फाइनेंशियल अवेयरनेस ये तो एक क्लास है इस जैसी मेरे दोस्त मंथली आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे चार सौ एमसीक्यू फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लासेस भी आपको मिलेंगी क्लासेस भी और कैप्सूल है जाकर तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा okay, की जा रही है इसमें आगे समझना निर्मला सीतारमन की बात कर लेते ये अपनी वित्त मंत्री हैं इन्होंने क्या किया है अभी एक बी आर ए पी लॉन्च किया था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 ये निर्मला सीतारमन के द्वारा जारी किया गया अब इसमें मोस्ट इन्वेस्टमेंट फेवर्ड सेवन स्टेट यहां पर रखे मोस्ट इन्वेस्टमेंट फेवर्ड जो सेवन स्टेट रखे इनमें कौन कौन से हैं आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा कर्नाटक पंजाब तेलंगाना और तमिलनाडु ये स्टेट है मेरे दोस्त मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट ओके तो अगर हम लोग बात करें कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन जो प्लान है ओके okay? 2020 उसको निर्मला के द्वारा रिलीज किया गया इसमें मोस्ट इन्वेस्टमेंट फेवर्ड स्टेट की बात करें तो कौन कौन से स्टेट हो गए यहां पर आंध्र प्रदेश हो गया गुजरात हो गया हरियाणा हो गया कर्नाटक हो गया पंजाब हो गया तेलंगाना हो गया और मेरे भाई तमिलनाडु हो गया क्लियर है भाई डेन आगे बढ़ते हैं तसली से पढ़ रहे चीजों को समझना एग्जाम का क्वेश्चन है पहला वाला पॉइंट जो लिखा है मिशन कर्म योगी आप लोग पर्पस कभी नहीं पढ़ते हैं ये बहुत बार होता है कि सर एक फाउंडेशन ईयर एक पर्पस एक ऑबिचुरी ये सेक्शन आप कम पढ़ते हैं लेकिन राइट नाउ अगर हम लोग बात करें तो कोई भी प्रोग्राम है कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसका पर्पस एग्जामिनर पूछ रहा है लाइक like मिशन कर्मी योगी इट इज अ नेशनल सिविल सर्विसेज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ओके ये जरूर याद रखना नेशनल सिविल सर्विसेज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग तो जो सिविल सर्वेंट है ओके okay, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए

कुछ इस मंत्रालय से उठा के उस मंत्रालय में डाल दिया गया है ओके आदत हमारी इजी करंट अफेयर्स पढ़ने की बनी हुई है वन लाइनर बट एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है ओके ठीक है उसने क्या किया है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आप स्किप करते हो जैसे समझना एनडीपीएस एक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैं सिर्फ इस वाली लाइन को पकड़ रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट ओके और इसको ट्रांसफर कर दिया है फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टू होम मिनिस्ट्री बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है एनडीपीएस एक्ट 1985 का इसकी फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं नेशनल सॉरी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ओके 1985 इसको आप एनडीपीएस एक्ट 1985 बोलते हैं उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ट्रांसफर करके होम मिनिस्ट्री में लाने का यहां पर प्रपोजल रखा गया है ओके ऑलमोस्ट इन लाइन है मेरे दोस्त ये हो ही जाएगा ठीक है डन आगे बढ़ते हैं BOC की बात करते हैं BOC BOC का मतलब है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ओके तो हुआ क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इसने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन इसको ही रीनेम कर दिया ओके okay? BOC को ही रीनेम कर दिया इसकी ब्रांडिंग की जा रही है अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से ओके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन

Solidarity 2023 क्या है सॉलिडरिटी 2023 ये एक चाइना का मेरे दोस्त है एक उपज है ओके और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है इसको भारत भी सपोर्ट कर रहा है और भारत के साथ साथ जो एसिय कंट्रीज हैं अब एस सी यू में कुल मिलाकर नौ देश है ईरान भी है अब तो उसका मेंबर ठीक है चाइना है पाकिस्तान है इंडिया है रशिया है मेरे दोस्त और कजाकिस्तान है ताजिकिस्तान है उज्बेकिस्तान है ओके किर्गिस्तान है कुल मिलाकर ये नौ मेंबर है जो कि इस एस सी ओ का पार्ट है तो जो इंडिया है जो अदर मेंबर है कंट्री ऑफ एस सी ओ है वो क्या करेंगे कि चाइना का जो एक इनिशिएटिव है इस सॉलिडेरिटी इसको यहाँ पर दो सपोर्ट कर रहे हैं एक ज्वाइंट बैडर ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन इनिशिएटिव है ओके तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त एक इनिशिएटिव लॉन्च के चाइना ने टू ऑर्गेनाइज बॉर्डर ऑपरेशन और ठीक है? भाई सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर करते चलेगा ठीक है बस आपसे इतनी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे दोस्त एक बार लाइक शेयर करते चलना ठीक है एक बार जरा मैं कमेंट देख लू बच्चों के

कनाडा यूएसए जापान इटली जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस ये सात देश जी सेवन का भाग है और जी सेवन का जो अड़तालीसवा संस्करण रहा वो जर्मनी में रहा था ओके जर्मनी के जो सेक्रेट जो मतलब वहां के चांसलर उन्होंने आमंत्रित किया मोदी जी भी अब समिट भी हो गया समिट में कुछ अनाउंसमेंट किए गए अनाउंसमेंट बड़े इंटरेस्टिंग और अमाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें 600 बिलियन का 600 बिलियन यूएस डॉलर का एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया जाएगा जैसे चाइना का एक चाइना ने बल्ड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो बना रखा है मेरे दोस्त उसके लिए यहां पर उसका यहां पर कह सकते हैं कि तोड़ ढूंढने के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम उस तरीके से ही यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा जी सेवन कंट्रीज इसको लॉन्च करेंगे 600 बिलियन का प्रोग्राम है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसका अमाउंट 600 बिलियन का मेरे दोस्त ये प्रोग्राम है और इसमें यहां पर जो यूएसए है वो आपका दो बिलियन लेकर आ रहा है टू बिलियन यूएस डॉलर बाकी दो तक मेरे दोस्त रेस्ट यहाँ पर चार बिलियन जुटाए जाएंगे फोर बिलियन एनकोवैक्स ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका अब ये एनकोवैक्स क्या है एनोकोवैक्स एक वैक्सीन है और यह वैक्सीन किसके लिए एनिमल के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभी तक इंसानों के लिए वैक्सीन तो पढ़ ली हम लोगों ने एनिमल के लिए वैक्सीन है तो ये जो देश की पहली स्वदेशी निर्मित कोविड वैक्सीन है और कोविड वैक्सीन किसके अगेंस्ट में है ये बड़ा है बड़ा मायने रखता मेरे दोस्त कोविड सॉरी ये जो वैक्सीन है यह कोविड नाइनटीन के अगेंस्ट में है फॉर एनिमल इस वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स और इस वैक्सीन को बनाने वाले का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ओके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आईसीएर शॉर्ट में हम बोले आई सी एनआरसी क्वेश्चन आएगा ये किसने प्रोड्यूस करी है तो आईसीएर इस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया गया है क्लियर है डन आई होप क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीखना मास्टर कार्ड की बात करते हैं मास्टर कार्ड इसके ऊपर आरबीआई ने कुछ दिन पहले प्रतिबंध लगाया था अब वो प्रतिबंध वो रेस्ट्रिक्शन जो कि नए कस्टमर को ऐड करने को लेकर थी वो यहां से इसके ऊपर विद्रॉ कर ली है एक और इससे रिलेटेड न्यूज ये है BCCI का टाइटल स्पॉन्सर जहां पेटीएम होता था पेटीएम को अभी ये रिप्लेस करेगा तो मास्टर कार्ड यहाँ पर टाइटल बनेगा BCCI का, जो ये है इसने क्या किया है अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ किया नोकिया के साथ नोकिया कहां की कंपनी ये भी याद रखा कर कोई कंपनी वो किस देश की है एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था किया रिलेटेड किया किस देश की कंपनी है हुडे की सिस्टर कंपनी है मेरे दोस्त किया समझ रहे हो होंडाई साउथ कोरिया कि अभी साउथ कोरिया तो ऐसे पूछता है ऑटोमोबाइल कंपनी पूछी जा रही है एग्जाम में हो सकता है पूछ ले किस देश की कंपनी फिनलैंड की कंपनी है ओके तो के साथ अभी विप्रो का कोलैबोरेशन रहा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसके लिए मेरे भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्लियर है भाई डन आगे देखना डिजिटल इंश्योरेंस आपके एग्जाम के सवाल है भाई डिजिटल इंश्योरेंस ने एक ओन डैमेज पॉलिसी निकाली अपने तरीके की पहली पॉलिसी है ये फर्स्ट इंश्योरर है जो कि पे एज यू ड्राइव पे एज यू ड्राइव पे एज यू ड्राइव बार बार इस शब्द को मैं बोल रहा हूं यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है पी ए वाई डी पे एज यू ड्राइव फीचर एड किया है इसने फॉर मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसी तो जो मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसी है उसके लिए एड ऑन फीचर एक नया एड किया है और ऐसा करने वाला फर्स्ट फर्स्ट इंश्योर बनाए और उस इनिशिएटिव का नाम है पे एज यू ड्राइव ओके पे एज यू ड्राइव अब इंस्टाग्राम चैट में ही एक ऑप्शन आ गया है पेमेंट का समझ रहे हो मेटा यानी फेसबुक फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद रखा है इंस्टाग्राम उसी का है ओके तो मेटा ने अभी नया फीचर लॉन्च किया मेटा के सीईओ मार्क ने ने कि कंपनी क्या किया है पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया इंस्टाग्राम पे पेमेंट इन चैट फीचर इन इंस्टाग्राम ये भी इंटरेस्टिंग है इसको भी याद रखना क्लियर है भाई पे डन आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट सीखना एल टेक्नोलॉजी सर्विस की बात करते हैं टेक्नोलॉजी सर्विस इसने क्या किया है ये फर्स्ट आईटी कंपनी है मेरे दोस्त इट इज अ फर्स्ट आईटी कंपनी जिसने कि पब्लिकली इंडिकेट किया है इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम एक्सक्लूसिव 5G नेटवर्क ओके okay? तो इन्होंने क्लियरली समझना ये मैं डेटा पढ़ाऊंगा आपको जो स्पेक्ट्रम यहां पर डेटा स्पेक्ट्रम रिलेटेड है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है यार डेटा बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी कंपाइल करके मैंने रख रखा वो भी समझाऊंगा तो एक्सक्लूसिव 5G नेटवर्क के लिए ओके okay, एक्सक्लूसिव 5G नेटवर्क के लिए अभी पहली आईटी आई टी पब्लिकली इंडिकेट किया है खुद का इस इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम तो इसका नाम है टी टेक्नोलॉजी जीएसडब्ल्यू स्टील और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए ओके बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड मेरे दोस्त जीएसडब्ल्यू स्टील ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं क्लियर है भाइयों डन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इन्फोसिस की बात करेंगे ये जरा समझना ये जो एक्विजिशन नहीं होता टेक ओवर होता है इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया कितने में खरीद लिया इसने इसको एक्वायर कर लिया देखिए कितने में कर लिया अडानी अभी देखो कितने सारे एक्विजिशन कर रहे हैं तो वो जितने भी एक्विजिशन कर, कर रहे हैं ओके जितने भी वो एक्वायर कर रहे हैं कंपनीज को उन कंपनीज में कितना शेयर खरीद रहे हैं और कितने अमाउंट का खरीद रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है तो जरा चीजों को समझना इस कंपनी को खरीद लिया इस कंपनी ने इन्फोसिस का नाम है इन्फोसिस ने अभी हाल फिलहाल बेस लाइफ इंश्योरेंस को खरीदा है ओके? ये डेनमार्क स्थित एक कंपनी है बेस इंफोसिस ने खरीदा है क्लियर भाइयों इन्फोसिस ने डन आगे बढ़ते हैं वन कार्ड यार दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये न्यू बैंक क्या है कंप्लीट तो डिजिटल बैंक है ओके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो ये यूनिकॉर्न है ये क्या है यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन कम से कम एक बिलियन यूएस डॉलर होता है वन बिलियन यूएस डॉलर तो वो हमारी दोस्त यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है यूनिकॉर्न फॉर्म कहलाती है हुआ क्या लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा या शायद इसी साल पूछा था सोवा जो यूनिकॉर्न है भारत का वो ओपन रहा था ओ पी ई एन ये नाम है ये सोवा यूनिकॉर्न था भारत का एग्जाम में क्वेश्चन ओपन किस प्रकार का मेरे दोस्त कंपनी है किस प्रकार का मेरे दोस्त या वो क्या है तो वहां ऑप्शन में लिखा था न्यू बैंक ओपन एक न्यू बैंक है जो कि सोवा यूनिकॉर्न बना उसी तरीके ये ये का रेस किया था, अभी, एक, ये लिखा न, इसके माध्यम से और इसके आधार पर ही एक सौ चारवा यूनिकॉन बन गया वन जीरो फोर्थ यूनिकॉर्न बन गया आई होप क्लियर होगा ओके आगे समझना ओला इलेक्ट्रिक अनवील्ड कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल ओके ओला इलेक्ट्रिक ने ओके ओला इलेक्ट्रिक ने देश का पहला स्वदेशी निर्मित इंडी लिथियम आयन सेल है इसको मेरे दोस्त अनवील किया है और जो ये बेंगलुरु बेस्ड टू व्हीलर मेकर है यानी ओला इलेक्ट्रिक है मेरे दोस्त इसने मास प्रोडक्शन इस सेल का शुरू भी कर दिया इसका नाम है NMC2170 ओके okay? ये कहाँ से किया है जो इसका चेन्नई बेस्ड गीगा फैक्ट्री है ठीक है अच्छा जी ये कह रहे हैं कि 2023 तक हम लोग इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे NMC 2170 का ओके जो कि एक लिथियम आयन सेल है बहुत बढ़िया ओला इलेक्ट्रिक इसमें नाम आपको याद रख के चलना है क्लियर है भाइयों समझ में आ गया डन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखना पार्ले प्रोडक्ट यार अगर मैं हूं तो उसको गलती से भी स्किप नहीं करूंगा किसी एक एग्जाम में तो मैं पूछूंगा इसको अभी अगर हम लोग बात करते हैं एफ की हमेशा दिमाग में आती है एफ एम तो जरा ये डेटा समझना कैंटर इंडिया ने ये डेटा दिया है ठीक है तो कैंटर इंडिया के अनुसार जो ये पार्ले प्रोडक्ट है पार्ले प्रोडक्ट ये मोस्ट चूजन एफ ब्रांड बना है ठीक है तो देश का अगर हम लोग बात करें लगातार दस बह साल है जब पार्ले आज के टाइम में यार एक चीज देखिए घर पे जाइए माता पिता से बोले मम्मी से बोलो मम्मी कौन सा बिस्किट खाएंगे वो हमेशा कहेंगे अरे भैयाशीष एक काम कर पार्ले आ ठीक है पार्ले लिया पार्ले गोल्ड ले लिया ले 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 लेकिन कोई बिस्किट लेकर रहियो तो पार्ले लेकर हो ठीक है उसका एक जवाब भी अलग है मेरे दोस्त ठीक है वो टेस्ट अभी बदला ही नहीं है ठीक है अभी वो वैसा ही है मेरे भाई आज भी आपको मेरे दोस्त पार्ले में दम लगता है पार्ले में मजा आता है तो आप देखो तो मेजोरिटी में हमारे देश में लोग पसंद पार्ले को कर रहे हैं ये डेटा भी बता रहा है रिकॉर्ड टेन ईयर इन लगातार दसवें साल पार्ले प्रोडक्ट ये मोस्ट चूजन एफ एम सी जी ब्रांड है देश का कैंटर इंडिया ने डेटा दिया उसके बाद अगर आप लोग देखते हो मेरे भाई तो फिर अमूल है अब अमूल क्यों है भाई अब आप देखिए हर शहर में आप जाइए अब कहाँ भैंसों को ढूंढेंगे भैया दूध लेने के लिए आप क्या करते हो तो तुरंत ऑर्डर करते हो बट अमूल का दूध अवेलेबल फिर ब्रिटानिया है फिर क्लिनिक प्लस है फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है ओके तो पार्ले प्रोडक्ट फिर अमूल ब्रिटानिया क्लीनिक प्लस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये टॉप फाइव कैंटर इंडिया द्वारा किए गए मोस्ट चूजन ब्रांड में से एक है क्लियर है भाई आगे बढ़ते हैं इट इज फॉलोड बाई अमूल ब्रिटानिया ये लाइन जरूर याद रखना जो 2024 के पेरिस ओलंपिक है ओके जो 2024 के पेरिस ओलंपिक है उसके लिए क्या किया गया है कि ऑर्गेनाइजर ऑफ ओलंपिक अनवील्ड गेम्स वाइड ओपन ये एक दोस्त इसका ऑफिशियल स्लोगन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में जो ओलंपिक होंगे 2022 के दो 20 में ओलंपिक होने थे ठीक है समर ओलंपिक इक्कीस में हुए थे जापान के टोक्यो में 2024 के कहां पर हो रहे हैं मेरे दोस्त फ्रांस के पेरिस में 2028 के होंगे यूएस में और 2032 के होंगे ऑस्ट्रेलिया में ओके 2024 फ्रांस 2028 समर ओलंपिक यूएसए ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके ट्वेंटी थर्टी टू ओलंपिक ये आपके ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे ये 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है उसका ऑफिशियल स्लोगन लॉन्च किया गया और इसका नाम है गेम्स वाइड ओपन गेम्स वाइड ओपन ओके ये नाम याद रखना गेम्स वाइड ओपन इससे पहले 1900 और 1924 में पेरिस है जिसने कि प्रीवियसली होस्ट किया था समर ओलंपिक को और ये तीसरी दफा है थर्ड टाइम है जबकि होस्ट करने जा रहा है ओके थर्ड टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप क्या सोच रहे एग्जामिनर ये पूछेगा दो हजार चौबीस के ओलंपिक कहां पर होंगे बताओ ये पूछेगा ये मोस्ट कॉमन है यार मोस्ट कॉमन है वो ये पूछेगा कि फ्रांस का पेरिस से होस्ट करने जा रहा है इससे मतलब किस नंबर का भी यह होस्ट करने जा रहा है मतलब इससे पहले फ्रांस का पेरिस दो बार मेरे दोस्त होस्ट कर चुका है या तो उन्नीस सौ में उन्नीस सौ चौबीस में अब ये किस कि, कौन सी दफा करने जा रहा है दूसरी दफा, 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 एक से सात अगस्त तक मनाया गया फर्स्ट टू सेवंथ ऑफ अगस्त तडोबा अगस। टाइगर रिजर्व है इसने अभी होस्ट किया था ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन ओके और ये तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लोकेटेड है महाराष्ट्र में चंदौली नवेगांव तडोबा

तो मेरे दोस्त इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलता है हमारे इस वॉरियर प्रो बैच में अगर आप इस पर रिलायक करते हैं डेफिनेटली आपको मेरे दोस्त निराशा नहीं मिलेगी हमेशा चीजें बेहतर ही मिलेंगी अब समझना जीएसटी कलेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जीएसटी कलेक्शन किस महीने में हाईएस्ट रहा है तो भैया ये अप्रैल महीना रहा था ओके महीना ढूंढो जरा कहा हो तुम कहा हो तुम कहा हो भैया जून महीने में सेकंड हाईएस्ट टू अप्रैल अच्छा ये देखो ये वन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी करोड़ रुपए अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा आपको मंथवाइज डेटा पता होना चाहिए ग्रॉस जीएसटी जो रेवेन्यू कलेक्शन रहा था जून महीने में एक लाख चवालीस हजार चार छह सौ सोलह करोड़ रुपए रहा इस लाइन को मेरे दोस्त याद रखना सिर्फ एक लाख चवालीस या छह सौ सोलह करोड़ रुपए ये हाईएस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में रहा था अप्रैल में एक सड़सठ पांच सौ चालीस अब जून के बाद जुलाई का डेटा भी आ चुका है अगस्त का डेटा भी आ जाएगा तो ऐसे में मेरे दोस्त देखते हैं कि कौन सा हाइएस्ट रहता है ठीक है ये सेकंड हाइएस्ट का तमगा इससे हट चुका है जून से ठीक है जून में सेकंड हाईएस्ट नहीं इसके बाद भी हाईएस्ट हो चुका है आप सिर्फ इतना याद रखो किस महीने में सबसे ज्यादा रहा है अभी के लिए तो अप्रैल में एक लाख सड़सठ हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपए रहा था एक लाख सड़सठ हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपए बस इतना याद रखना ओके जुलाई महीने में लिखा है ना एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पिचानवे करोड़ रुपए ये सेकंड हाईएस्ट है अब जुलाई महीने का सेकंड हाईएस्ट है जहां अप्रैल महीने में एक लाख सड़सठ हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपए था भाई जुलाई महीने में एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पिचानवे करोड़ रुपए है और अप्रैल के बाद ये सेकंड हाईएस्ट रहा है यहां पर क्लियर है भाइयों डन ओके जीएसटी मीट चंडीगढ़ हुई थी बहुत बढ़िया अब आगे समझना कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या किया है कि जो एफ आर पी है, मतलब है यहां पर तो सुगर सीजन सीजन 2022 से 23 के लिए एफ आर पी है फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन है इसको मेरे दोस्त अप्रूव कर दिया गया अक्टूबर से लेकर सितंबर के लिए तो यार समझना ये जो अप्रूव किया गया हाईएस्ट एवर अब तक का हाईएस्ट एफ आर पी है तीन सौ पांच रुपए पर क्विंटल ओके तो शुगर केन फार्मर को मेरे भाई कम से कम तीन सौ पांच रुपए पर क्विंटल तो मिलने जा रहा है एफ आर पी जो शुगर सीजन दो हजार बाईस का हायर है प्रीवियस के इक्कीस बाईस में जो भी रहा था उसके कंपैरिजन में इस साल की बात करें बाईस तेईस मेंिक्स परसेंट हायर रहा है तीन सौ पांच रुपए पर क्विंटल रहा है ओके एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्य प्राइस ऑफ शुगर केन फेयर एंड रिमरेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन क्लियर है भाइयों डन आगे बढ़ते हैं। natural gas को लेकर क्या किया किया है है समझना। ने कि उसका कहना है कि जो natural gas है प्राइमरी एनर्जी में उसको हम लोग प्राइमरी एनर्जी मिक्स में उसमें पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ओके okay, 2030 तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा डेटा कि गवर्नमेंट ने यहां पर एक टारगेट सेट किया है और उनका टारगेट ये है कि जो दो

आईटी और आईटी टी इनेबल्ड सर्विसेस पार्क बनाने के लिए ये तो सेंसर वाला गलत जगह पर है यहां कहीं होना चाहिए था भाई इधर उधर हो तो पता भी चले अब ये कहाँ लगा रखा है ठीक है जरा समझना गवर्नमेंट ने क्या टारगेट सेट किया मेरे दोस्त तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर समझना लार्सन ट्यूब्रो वाला पॉइंट सेट करते हैं ये वाला है दिए नहीं लार्सन ट्यूब्रो ने भी एक एग्रीमेंट किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक आईटी एंड आईटी टी एनेबल्ड सर्विस पार्क बनाने के लिए बड़ोदरा में ओके सात हजार करोड़ रुपए की लागत से करोड़ की लागत से ओके सिक्स पॉइंट परसेंट है अब तो ये रहा बताते अभी सिक्स पॉइंट थ्री इसी को बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत करना है ठीक है देखिए आगे बढ़ते हैं बीमा भरोसा अब ये बीमा भरोसा क्या है एक इंटीग्रेटेड दोस्त जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है जो 2011 में में लॉन्च किया किया गया गया था उसको दोस्त किया गया उसको दोस्त रीब्रांड जा रहा है है ओके नए अवतार में लाया गया है. तो इज बीइंग अप्रेडेड टू तो मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर दी कस्टमर और इसको रीनेम करके बीमा भरोसा किया गया है तो इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम दो में लाया गया था उसी को नाम बदलकर बीमा भरोसा कर दिया गया बीमा भरोसा क्लियर है भाई आगे बढ़ते हैं आई टू यू टू टू समिट आई टू यू टू समिट यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई टू यू टू जैसे कि हमारे लिए क्वाड इंपॉर्टेंट बनता है I2, ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएसए जापान उसी तरीके से हमारे लिए आई टू यू टू इंपॉर्टेंट बनता है अब आई टू यू टू में कौन कौन से चार देश है वो जरा समझते हैं तो सबसे पहले देखना आई का मतलब है यहां पर इंडिया एंड इसराइल एंड यू का मतलब है यूएस एंड यू ए तो इंडिया इसराइल यूएस और यू ए इन देशों का चार देशों का एक संगठन है इसका नाम है आई टू यू टू समिट और जो नरेंद्र मोदी जी हैं इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्चुअल राष्ट्राध्यक्षों की बात कर लेते हैं तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, के यार के बिन अल नयान है okay? ने इस दौरान अनाउंस किया था कि दो बिलियन यूएस डॉलर का वो इन्वेस्टमेंट करेगा भारत के इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में okay? इंडिया में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में UA कितना इन्वेस्टमेंट करेगा टू बिलियन यूएस डॉलर का टू बिलियन यानी दो बिलियन यूएस डॉलर आई टू यू ग्रुप है ओके आई टू जो यू टू ग्रुप है कि हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो गुजरात में बनाया जा रहा है उसको ये सपोर्ट करेगा जो गुजरात में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें विंड और सोलर कैपेसिटी दोनों होगी इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है इस ये 300 मेगावाट का रहेगा गुजरात में सेटअप किया जाएगा और आई टू यू टू ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा आई टू यू टू ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा क्लियर है भाइयों डन मजा आ रहा है कंटेंट एक नंबर है कि नहीं भाई ये बताइए क्लियर हो रही है सारी चीजें ओके okay? चलो बहुत बढ़िया ये सब एग्जाम के सवाल हैं आपके नेक्स्ट देखते हैं अगला देखिएगा जरा ध्यान से समुद्रयान मिशन ये एग्जाम का क्वेश्चन है समुद्रयान मिशन कोई स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है तो कोई मेरे दोस्त समुद्र में अंडर वाटर जाकर मेरे दोस्त कुछ ना कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने में लगा है भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत ने इसके लिए एक समुद्रयान मिशन ने डिसाइड किया है जिसके लिए उसने एक यहां पर सबमरीन भी बनाई है जिसका नाम है मेरे दोस्त मत्स्य सिक्स थाउजेंड इसके बारे में समझते हैं देश का पहला मैंड मिशन होगा जो कि छह हजार मीटर डीप ओशियन में ह्यूमंस को भेजा जाएगा इस मिशन के तहत इसके साथ भारत उन देशों के क्लब में ज्वाइन कर लिए जो यूएस रशिया जापान फ्रांस और चाइना उन देशों के ग्रुप में ज्वाइन किया लाला क्लब में जिनके पास एक ऐसा मिशन है जिन्होंने एक ऐसा मैंड मिशन किया है जो की ओशियन में मतलब में, 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 जो मैंड मिशन रहा है ऐसा करने वाला अब इंडिया यूएस रशिया जापान फ्रांस चाइना के साथ जुड़ गया ओके जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसका टोटल बजट चार हजार सतर करोड़ रुपए है टोटल बजट फोर जीरो फोर जीरो करोड़ रुपए इसका टोटल बजट है आने वाले पांच सालों के लिए ओके मतलब सिक्स 6000 ये मेंड समर है समर सिविल है ओके समर सिविल व्हीकल है जिसको इसके लिए तैयार किया गया जिसके माध्यम से जो ह्यूमन है मेरे दोस्त उनको मैन है उनको भेजा जाएगा क्लियर है डन क्लियर आगे समझना लुम्पी प्रोवैक लुम्पी प्रोवैक क्या है नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी एक इंडिजीनियस वैक्सीन लॉन्च की थी लुम्पी प्रोवैक जो लाइव स्टॉक है ना मेरे भाई लाइव स्टॉक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओके okay, तो ये लुम्पी स्किन डिजीज से अभी इससे काफी स्टेट में लाइक गुजरात में काफी मेरे दोस्त गाय थी जिनकी डेथ हुई थी तो लाइव स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए लुम्पी वैक्सीन लुम्पी लुम्पी स्किन डिजीज से लुम्पी प्रोवैक एक इंडिजीनियस वैक्सीन लॉन्च किया गया ओके okay? जो ये वैक्सीन है मेरे दोस्त इसको डेवलप किया है न, ये एन नेशनल एक्वनी रिसर्च सेंटर ने हरियाणा के हिसार स्थित है और इसने इंडियन वेटरिटी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली इज्जत नगर मेरे भाई इसके साथ मिलकर इसको यहां पर तैयार किया था क्लियर है आगे समझते हैं थ्री मैन मिशन अभी है क्या थ्री मैन मिशन मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है एंड्रेज मैनुअल लॉपेज ओके एंड्रेज मैनुअल लॉपेज ऑबरेडर ओके एनुअल मैनुअल सॉरी एनुअल मैनुअल नहीं एंड्रेज मैनुअल लॉपेज ऑबरेडर अब इन भाई साहब ने क्या किया इस पॉइंट को जरा समझना इन भाई साहब ने क्या किया है कि अभी तीन लोगों का एक मिशन कमीशन है उसको यहां पर प्रपोज किया है और यूनाइटेड नेशन में है उसे बनाए रखना। इसमें मोदी जी का भी नाम रखा है। तो मोदी जी इसमें यूनाइटेड नेशन से जनरल एंटोनियो गुटरेस इसमें है और पोप फ्रांसिस मेरे दोस्त इसमें है इन तीनों को ग्लोबल पीस के लिए थ्री मैन कमीशन के लिए इनका नाम प्रपोज किया गया है क्लियर भाई ओके चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट ये आपके होमवर्क का पार्ट है इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने के लिए जितने भी बच्चे यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी आप वॉरियर प्रो बैच में एडमिशन लीजिएगा कल इसी समय साढ़े आठ बजे हम लोग वॉरियर प्रो बैच में मुलाकात करेंगे आप उसके लिए वाई वन सिक्स एट कोड यूज़ कर सकते हो और बाकी जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं मेरे दोस्त जो बैच में हैं कल साढ़े आठ बजे इसी समय मेरे दोस्त शुरुआत होगी अगस्त के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के डिस्कशन की ओके So, एक बात समझना जरा ध्यान से जितने भी बच्चे हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं ये कहा यहां से अलाम वलाम ये रहा ठीक है जितने भी बच्चे अब हम, हम लोगों के साथ कल से जुड़ने जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप आज ही एडमिशन लीजिएगा क्योंकि आज आग आग आपको वॉरियर प्रो में कैप्सूल बैच की क्लासेस भी मिलने जा रही हैं जो दो से चार रहने वाला है वॉरियर प्रो बैच बेसिकली एक ऐसा बैच है जिसमें मैं आपको हर एक महीने के करंट अफेयर और उन महीनों के 400 हंड्रेड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में है आज तो कंटेंट आपको कुछ इंग्लिश में भी दिखाए बट डेली बेसिस पे हम लोग जो उसमें करंट अफेयर पढ़ते हैं वो हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू यहाँ आपको वीकली एम भी मिल रहा है हर एक वीक के सौ सौ एम तो पूरे महीने के चार सौ हो गए तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस मिल रही है जैसे थ्री पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ है इसी तरीके से फाइव पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट जीरो फाइनेंशियलियलियलियलियल अवेरनेस के बैचेस आपको

बंद करना है यहां से एंड स्ट्रीम कर दे रहा हूं यही तो है